इसके बाद तीसरा तरीका है एक्सरसाइज का। अब बोलो सर, एक्सरसाइज? एक्सरसाइज से ब्रेन का क्या लेना? यस, आप जिम में गए हो? जिम में जब जाते हो तो आपको पहले वहां का जो गाइड होता है क्या बोलता है? वार्म अप करो। क्या बोलता है? वार्म अप करो, राइट? तो आप यहां पर वार्म अप क्यों नहीं करते हो? यहां पर आए तुरंत बैठ के काम पे? नहीं भाई, 6 मिनट का वार्म अप। अगर मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में लिखना है, किसी भी टॉपिक के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे बैठना चाहिए, उसके हेडिंग्स को नोट डाउन करना चाहिए, ऐसा कुछ हम लिखने वाले हैं, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी अध्ययन करने जा रहे हो तो आप 6 मिनट का मिनिमम वार्म अप किया जाता है, 6 मिनट का। 6 मिनट का अगर आपने वहां पर साइलेंस कर लिया, अपना मेडिटेट कर लिया खुद को, उसके बाद जब काम करोगे प्रोडक्टिविटी यू बढ़ जाएगी। और इससे इतना बेनिफिट होगा अगर 6 मिनट का वार्म अप करके किसी भी काम को किया। देखो सीधी सीधी बात है कि हम सीधे मैं जब जिम में उसके बाद डंबल उठाने लगूं, दूसरे दिन ये पकड़ लेगा पूरा का पूरा। लेकिन उसके एक वे है कि पहले पुशअप्स मारो, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को गेन करो, उसके बाद जाओ हैवी वेट।